हेलो गाइस, कल के बाद जो नंबर सिस्टम है हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे, उसके बाद आज का क्वेश्चन देखते हैं जो एनटीपीसी, जीडी, एमटीएस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बहुत बेसिक लेवल से लेकर चल रहा है और क्वेश्चन कोशिश ऐसा है कि क्वेश्चन आपका छूटे नहीं एग्ज़ाम का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो वो भी हम लोग देखते चलेंगे। जैसे आज हम लोग देखें, पहला क्वेश्चन है ये, कुल कितनी तीन अंक की संख्या छः से विभाज्य है, छः से कटने वाली तीन अंक की कितनी संख्या है। तो तीन अंक की संख्या तो शुरू होता है 100 से, 100, 101, 102 से लेकर कहाँ तक, 999 तक, 100 से लेकर 999 तक, ये होता है तीन अंकों की संख्या। अब यानी एक से लेकर 99 नहीं है तक नहीं है। हम लोग शॉर्ट में अगर इसको बनाना चाहें तो जो नहीं है उसको घटा लो, पहले 999 में से 99 घटा दो, कितना आ रहा है 900, और इस 900 को ही हम लोग किससे भाग दे देंगे, 6 से भाग दे दिया 900 के, 6 1 6 3 0 6 5 30 कट गया 0, यानी 150 संख्या है तीन अंकों वाली जो कटेगी। डिटेल्स में देखते तो 6 से 999 को भाग देते, फिर 6 से 99 को भाग देते तो वो 166 आता, और फिर ये 16 आता, घटाते तो भी 150 आता। तो उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा जब तीन अंक की संख्या पूछ रहा है तो 999 में से 99 घटा लिया, 900 को 6 से भाग दिया, 150 संख्या। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाए तो शेषफल 60 प्राप्त होता है। तब देखो क्वेश्चन कह रहा है संख्या के 60% से, मान लो संख्या कितना x, जो कह रहा है वैसे ही कीजिए x, इसका 60% x गुना 60/100, इसमें से 60 घटाया जाए तो घटा दीजिए और शेषफल 60 मिलता है, मतलब बराबर 60 मिलता है। अब x गुना ये 60/100 बराबर -60 उधर जाएगा, तो 60 और 60 120, तो x बराबर क्या होगा 120 गुना 100/60, कट जाएगा इससे दो बार में, आंसर होगा 200। क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो परसेंटेज के क्वेश्चन में ये परसेंट लगा हुआ है, 60% है तो 60/100 किया, 60 घटाने पे घटा दिया, 60 मिलता है, 60 लिख दिया, आंसर कितना आया 200, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, एक और स्वयं के अलावा यानी दो संख्या छोड़ना है, एक भी छोड़ना है और ये एक भी और स्वयं को भी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, 110-25 के भाजक को ही गुणक भी कहते हैं, गुणनखंड भी बोलते हैं, भाजकों की संख्या बतानी है। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर ऐसा है तो इसको फैक्टोराइज करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टोराइज कैसे करेंगे, तो 110-25 को प्राइम नंबर से भाग देते चलेंगे, 5 से भाग दिया 2, 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 25, फिर 5 से भाग दिया 4 × 4 = 1, अब 3 से भाग लगेगा 3 × 3 = 12, 3 × 7 = 21, अब फिर 3 से भाग लगेगा 49, फिर 7 से भाग लगेगा और 7 × 7 = 49। क्लियर है। तो याद करो मैंने बताया था जस्ट दो तीन वीडियो पहले, इसका हम लोगों ने क्लास एक किया था गुणकों की संख्या का, और बताया था कि इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग में से जो लोग ये क्लास छोड़ दिए थे पिछले वीडियो में जा करके, नंबर सिस्टम से ठीक पहले यानी परसों के वीडियो में आपको वो मिल जाना चाहिए, वो निकाल करके आप उसको 2-3 बार अच्छे से देखना, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो या आपका SSC का एग्ज़ाम हो या जो अभी NTPC का निकला हुआ है उसका हो। तो देखे ये फैक्टोराइज करने पर कितना आया, 5 का पावर 2 आया,
तीन का पावर दो आया, देखो पांच दो बार, तीन दो बार, सात भी दो बार। हम लोगों ने क्या देखा था, बेस से मतलब नहीं है, बेस से मतलब नहीं है, बेस को नहीं लेते हैं और पावर में एक जोड़ते हैं, तो दो जोड़ एक तीन, फिर दो जोड़ एक तीन, फिर दो जोड़ एक तीन, यानी तीन तियाई नौ तिया सत्ताईस। टोटल अगर फैक्टर पूछा तो आंसर होता सत्ताईस। एक चीज और देखना, मैंने तीन चीज बताया था, कुल गुणक, सम गुणक, विषम गुणक। तो इसमें क्योंकि सम कोई नहीं है, पांच है, तीन है, सात है, दो से कटने वाला नहीं है, अगर सम गुणक होता तो सम निकलता, लेकिन सम नहीं है, जो भी है वो विषम गुणक भी है। ऐसे भी 110 25 के लास्ट में पांच है, चेक कर लो क्या सम संख्या, यानी दो से कटेगा, तो नहीं कट रहा है, यानी इसका सम गुणक नहीं होगा, तो क्या होगा, विषम गुणक, यानी जो टोटल आया यही विषम गुणक भी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कुल विषम गुणक, पूछ नहीं रहा है, अगर पूछता तो ये भी आंसर होता सत्ताईस, लेकिन पूछ क्या रहा है, करा एक और स्वयं के अलावा, करा दो छोड़ दो, यानी सत्ताईस में से दो छोड़ दिया, आंसर होता पच्चीस। पच्चीस ढूंढिए, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये एक को पच्चीस बना दीजिए क्योंकि आंसर आ रहा है पच्चीस, ट्वेंटी फाइव, क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, पच्चीस होगा। सत्ताईस क्यों नहीं होगा, अगर कुल पूछता तब, ये अलावा लगा दिया, अलावा मतलब छोड़कर, बिसाइड्स यूनिटी एंड इटसेल्फ, यूनिटी को भी छोड़ दो, इटसेल्फ को भी छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखें, एक को छोड़कर, यहाँ केवल एक छोड़ रहा है, 14,400 के भाजकों की संख्या बतानी है, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 14,400 और इसको प्राइम फैक्टोराइज करते हैं 7200, फिर ये प्राइम फैक्टोराइज, दो से लगेगा 3600, फिर दो से लगेगा 1800, फिर दो से इसको भाग देंगे 900, फिर अब लग रहा है कि दो से तो लगता लेकिन तीन से ज़्यादा आसान है तो 300, फिर तीन से दे देते हैं पहले 100, अब मानो तो नहीं पाँच से देना ज़्यादा आसान है तो पाँच से ये 20, फिर पाँच से देना आसान है तो पाँचों का 20, अब फिर लग रहा है कि ये दो से तो लगेगा ही, दो दूनी चार, यानी दो इकाई दो। प्राइम फैक्टोराइज का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप दो से दे दो, पाँच से दे दो, किसी से भी दे दो, गलत नहीं होगा। काउंट करने में ध्यान रखना, दो एक दो तीन चार और दो बार नीचे है छः, यानी दो कितना है, छः बार है, तीन कितनी बार है, दो बार है, पाँच कितनी बार है, दो बार है। तो अगर कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणकों की संख्या पूछ रहा है, बेस से मतलब नहीं है, तो छः जोड़ एक सात, दो जोड़ एक तीन, फिर दो जोड़ एक तीन, सात तिया इक्कीस तिया तिरसठ होगा, अगर टोटल पूछेगा तो तिरसठ होगा कुल। अगर सम गुणक, देखो यहाँ सम भी है, अगर सम गुणक पूछता, हम लोग एक साथ कई क्वेश्चंस को भी देखते चल रहे हैं, अगर सम गुणक कहेगा तो सम वाले का पावर कितना है, छः है, इंटू यहाँ पावर प्लस वन तीन, यहाँ पावर प्लस वन तीन, तीन तिहाई न छक चौवन होता। अगर विषम गुणक पूछता, विषम गुणक, तो हम लोग सम वाले को छोड़ देते, बताए थे सम वाले को छोड़ दो, दो जोड़ एक तीन, दो जोड़ एक तीन, तीन तिहाई नौ। सब लोग एक बार पिछला वीडियो देख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और ये सम गुणक विषम गुणक वहाँ इस पर बहुत सारा टाइप्स हमने देखा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जब एग्जाम में आएगा इस टॉपिक को टच करेगा तो उतने ही में से आएगा। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक को छोड़कर, कुल पूछता तो आंसर तिरसठ होता, एक छोड़ने के लिए कह रहा है यानी बासठ होगा, तो आंसर बी। समझ में आ रहा है, बहुत ही जी। अगला क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का योग 49 है और उनका अंतर 3 है, योग दिया हुआ है कितना, 49। तो मान लो एक संख्या x, दूसरी संख्या y और जोड़ने पर कितना है, 49 है, उनका अंतर 3 है, x माइनस वाई
तीन है, हम लोग दोनों क्या करें, वाई वाई कैंसिल, 2x = 52, तो एक्स बराबर क्या होगा, 52/2 कटेगा कितने बार में, 26 बार में। और तो दूसरी संख्या y भी निकाल सकते हैं, 26 में से 3 घटा दो क्योंकि दोनों का अंतर 3 है, तो 26 - 3 = 23 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों का गुणनफल बताइए, यानी 26 और 23 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 598, 598। तो देखें 598 है, हाँ ऑप्शन ए है। फॉर्मूला लग सकता था, लेकिन कितना फॉर्मूला आप याद करेंगे, एक ये होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, ये फॉर्मूला लग सकता था, ये संख्याओं का योग, संख्याओं का अंतर और उनका गुणनफल। इससे हम लोग आगे इसको अगर हम लेके चले तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कितना फॉर्मूला याद करेंगे, भूल गए तो दिक्कत, बहुत ऐसे भी फॉर्मूला रटना पड़ेगा, तो इसको छोड़ देंगे, इसी वे में सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 156 है, मान लो संख्या कितना x और इसका वर्ग कितना x², दोनों का सम कितना है 156, जो कह रहा है वही लिखेंगे, संख्या और उसके वर्गों का योग कितना है 156 है, क्लियर है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करें तो x² + x - 156 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया और हम लोगों को क्वाड्रेटिक से बचना है, तो संभव हो तो यहीं पर x का मान ऑप्शन से डाल के देख लो, जिसमें 156 आएगा वही आंसर होगा, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक को अभी छोड़ेंगे, जब क्वाड्रेटिक पे कमांड होगा तो बनाएंगे, यहाँ देख के लग रहा है, देखो ना 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यानी 196 में कुछ जोड़ेंगे तो 156 से ज़्यादा होगा, तो 14 नहीं होगा। अगर 16 ले तो 14 ही बड़ा है तो 16 का स्क्वायर तो और बड़ा 256 होता है, ये भी नहीं होगा। सी का मान 12 ले तो 12 + 12 का स्क्वायर चेक करें तो 12 + 144 आ गया 156, यानी थिंक विदाउट इंक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के साथ रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या वाला, दो अंकों की संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दो अंक की संख्या 10x + y होता है, जहां y को कहते हैं ये इकाई का अंक है और 10 से सटा हुआ है x, तो इसको क्या बोलेंगे, दहाई का अंक है, इकाई का अंक, दहाई का अंक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो इक्वेशन बनाते तो ऐसे होता x + y = 10, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो x 10x + y में अंक उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y + x होगा, x के जगह y है, y के जगह x, तो कह रहा संख्या 72 कम हो जाती है, यानी 10x + y में से 10y + x घटाए तो कह रहा है संख्या 72 कम हो जाती है, तो एक इक्वेशन ये होता और एक इक्वेशन ये होता, दोनों इक्वेशन के हेल्प से x और y का मान निकाल देंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, इसमें टाइम लगेगा, हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा था, अंकों का योग 10 है, तो देखें 7 और 3 = 10, 8 और 2 = 10, 9 और 1 = 10, 6 + 4 = 10, पहले लाइन को पढ़कर तो लग रहा है कि सारा आंसर हो सकता है, फिर कह रहा है अगर क्रम पलट दिया जाए तो संख्या 72 कम हो जाती है, पलट के देखो 73 को पलटोगे तो 37 होगा, क्या इसमें से ये घटाएंगे तो 72 होगा, नहीं 73 से 1 घटाते तो 72 होता, तो ये नहीं होगा, 82 है, 28 घटाओगे तो क्या 72 आएगा, नहीं आएगा, 91 में से देखो पलट दें 19 घटाएं तो ये 2 और ये 7, 72 आ गया, यानी देखने से लग रहा है संख्या कौन होगा 91, फिर से समझ लो, कह रहा अंकों का योग 10 है तो देखने के साथ सबका यानी सेकंड में जवाब देना है 10 है, किसको पलटने पर, कह रहा कि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 72 कम हो जाती है, तो पलट अगर दे रहा है तो यहाँ 72 नहीं कम हो रहा है, यहाँ भी नहीं कम हो रहा है, तो जिसमें 72 कम हो जाएगा वही आंसर होगा,
बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैथ्स में लैंग्वेज पर कमांड करना, उसकी भाषा समझनी है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग कि एक संख्या दो अंकों से बनी है, तो सब संख्या जो ऑप्शन में सब दो अंक से ही बनी है, पर उनके जिनका योग 15 है, चेक कर लेते हैं, 6 9 15, 7 8 15, 8 7 15, 9 6 15, सब में 15 है। कर यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। 9 जोड़ के देख लो, जो बदल देगा वही आंसर होगा। तो सब में 9 जोड़ के देखते हैं, 69 में 9 जोड़ा तो 78 हो गया। तो यहाँ 6 9 अंक पलट तो नहीं गया, 9 6 होता तो आंसर होता। यहाँ 9 जोड़ के देख लो, 78 में 9 जोड़े 87 आया, तो 7 8 के जगह 8 7 आ गया, इसलिए आंसर क्या हो गया, बी। समझ में आ रहा है? क्या कहा, 9 जोड़ दें तो क्रम पलट गया, तो जब 9 जोड़ के देखा पलट गया तो वही आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हो या जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश करो साथ में सॉल्व भी करते रहने का, और कमेंट करो अगर आप पहले से सॉल्व कर लेते हो तो बनाने के जस्ट बाद उसको सेंड करो, कमेंट करो। अगला क्वेश्चन है ये, दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 3 और 1 है। हम लोग क्या जानते हैं, दो अंकों की संख्या 10x + y, और इसमें अंक कौन कौन है, एक अंक है x और दूसरा है y, x + y, और इसका अनुपात कितना है, 3/1। दो अंकों की संख्या और अंकों के योग का अनुपात 3 और 1 है, क्लियर है? अब क्या कर रहा है, 2 3 और 1 है। यदि इकाई के स्थान का अंक दहाई के अंक से 5 अधिक हो, यहाँ पर संख्या नहीं दिया है ऑप्शन में, नहीं तो ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर लेते, ऑप्शन में संख्या नहीं है तो क्या करें, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, तो इकाई दहाई समझ में आ रहा है ना, जैसे 78 है तो ये हो गया इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, और ये दहाई का अंक, तो ऐसे ही कह रहा है क्या, वो कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो मान लो ये 1 है तो 5 अधिक तो ये कितना होता, 6 होता, मान लेते हैं संख्या स्टार्ट ही होता है 1 से, तो हम लोग मान के चलते हैं ना कि पहला 1 है तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर अगर 2 है 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 3 है 5 जोड़ेंगे 8 होगा, 4 है अगर तो 4 5 9 होगा, 5 अगर है तो 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो ये 3 अंक की संख्या हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा है दो अंकों की संख्या, तो अब आंसर हमारा इसी 4 में से कोई एक है। अच्छे से समझ गए कि इकाई का अंक दहाई से 5 अधिक है, जल्दी से लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि संख्या और अंकों के योग का अनुपात 3 और 1 है, तो वो तो देख करके चेक कर सकते हैं, जैसे पहले वाले में संख्या है 16 और अंकों का योग 6 और 1 7, क्या ये 3 बार में कटेगा, क्या 3/1 आएगा, नहीं आएगा। चलो तो दूसरा ऑप्शन को देखें, 27 अंकों का योग है 9, क्या ये 3 बार में कटेगा, जी हाँ 3/1। तो तुरंत समझ में आया कि आंसर 27 है, यानी इसका भी जवाब हम सेकेंडों में दे सकते हैं, आंसर कितना आया, 27। अब इसमें अगर पूछता है इकाई का अंक बताएं तो आंसर होता 7, दहाई का आंसर बताएं तो 2, दोनों का योग बताएं तो जोड़ लो 9, दोनों का अंतर बताएं तो घटा दो, दोनों का गुणनफल बताएं, तो बहुत तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इस फॉर्म से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है दहाई का अंक बताएं, दहाई का मान क्या है, तो दहाई मतलब इधर वाला, आंसर 2, तो ऑप्शन में देखें सी, क्लियर है? इस वे में अगर जाएंगे तो आसान होगा, नहीं तो दो दो इक्वेशन बनाते कि ये अनुपात मालूम है और वाई जो है वाई माइनस एक्स ये दिया हुआ है कितना, 5, तो एक इक्वेशन ये होता, दूसरा इक्वेशन ये होता, और दोनों को सॉल्व करके ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान रास्ता ये है। तो जो आसान रास्ता होता है मैं वही बतलाता हूँ, जिसमें जो नॉन मैथ्स वाले जिनका अभी तक मैथ्स नहीं रहा है अच्छा, वो भी कर सके। अगला देखें, दो अंकों की संख्या
और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 4 और 1 है। तो दो अंकों की संख्या मतलब 10x + y और उन संख्या के अंकों का योग यानी x + y ये है 4/1। वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले हम लोग देखे, लगभग सेम है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, मतलब हम लोग कैसे लें, तो 4 अधिक है तो देखते हैं, पहला अगर 1 तो 4 अधिक तो ये 5 होता। स्टार्टिंग 0 से तो संख्या शुरू नहीं होता, पहला 1 तो ये 4 अधिक, 2 होता तो 6, 3 होता तो 7, 4 होता तो 8, 5 होता तो ये 9, 4 अधिक है। अच्छे होता तो 10 तो नहीं होगा क्योंकि 3 अंक का हो जाएगा, यानी आंसर इसी में से कोई भी एक है। अब जल्दी से देखेंगे कि कहाँ पे संख्या और अंकों के योग का अनुपात 4 और 1 है। तो अगर संख्या 15 है तो 15/6 चार बार में नहीं कटा, 26/8 6 2 8 दोनों को जोड़ लिया, ये भी 4 बार में नहीं कटा। लेकिन इसमें देखिए, ये देख करके ही लग रहा है 48/8 4 12 ये 4 बार में कट गया, यानी 4/1 हो गया। क्लियर है ना? तो अब अगर पूछता इकाई का अंक बताएं तो आंसर होता 8, दहाई का अंक बताएं तो 4, दोनों का योग बताएं तो जोड़ लेते, अंतर पूछता घटा लेते, गुणनफल पूछता गुना करते। देखिए पूछ क्या रहा है, अंकों का योग बताओ, तो अंकों का योग 4 जोड़ 8, 8 4 कितना होगा 12, यानी ऑप्शन डी। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और हम लोग सेकेंडों में जवाब दे रहे हैं, समझ में भी सबको आ रहा होगा। जो लोग ज़्यादा वीक है मैथ्स में उसको 2 बार 3 बार पॉज करके बैक करके थोड़ा देखना कि समझ में आ जाए। एक और इससे भी स्लो बैच हम लोग बाद में बनाएंगे, जो और भी एकदम जो 0 होंगे उनके लिए, और एक टॉप लेवल का बैच भी बनाएंगे जो इससे ज़्यादा अच्छा होगा, स्पीड वाला होगा, जिसमें PYQ को हम लोग देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लेकर केवल चलेंगे। तो देखें अगला क्वेश्चन, तो यदि 3 अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक देख लें, अंकों का अंतर 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में अंकों का अंतर x - y ये होता है संख्याओं का अंतर 9। अब मन में आ रहा होगा ये कौन सी संख्या, तो ये संख्या है एक 10x + y और एक है 10y + x, अंकों का क्रम पलटने से प्राप्त संख्या। अगर कहीं भी ये दोनों है तो दोनों का अंतर 9, वो होगा अंकों का अंतर। अगर अंकों का योग पूछता, योग यानी x + y पूछता, तो संख्याओं का योग 11 होगा। संख्याओं का योग 11। अब इस क्वेश्चन में तो उस संख्या के अंतिम 2 के बीच का अंतर पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखें, एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक का स्थान, ध्यान से देखो, 3 अंक की संख्या है तो 3 अंक की संख्या मानते तो 100x + 10y + z कितना बड़ा हो जाता, क्वेश्चन बड़ा हो जाता। हम लोग उतना बड़ा नहीं सोचेंगे, क्या कर रहा है, इसके अंतिम 2 अंक के स्थान, अंतिम 2 अंक में 3 अंक की संख्या में अंतिम 2 अंक, तो 2 अंक की संख्या होगा, तो उसको आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 72 अधिक नई संख्या प्राप्त होती है, मतलब संख्याओं का अंतर 72 होता है, सिंपल। अब अधिक प्राप्त हो
चाहे कम प्राप्त हो। अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, चाहे अधिक हो जाए या कम हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो मतलब संख्याओं का अंतर है 72, और 72/9 कर देंगे तो अंकों का अंतर मिलेगा। क्वेश्चन में शायद वही पूछ रहा है उस संख्या के अंतिम दो अंक के बीच कितना अंतर है। तो देखो कितना आसानी से हम लोग सीधा 72 को, कहाँ गया यहाँ 72 है, 72 को सीधा 9 से भाग दे दो, आंसर हो गया 8। मतलब सेकेंड, एक सेकेंड भी समय नहीं लगेगा, देखो 72/9 आंसर 8। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी शायद ऐसा ही है। तीन अंकों की संख्या के अंतिम दो अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 81 अधिक नई संख्या प्राप्त होती है। अभी मैंने क्या बताया, चाहे अधिक प्राप्त हो या कम प्राप्त हो, 81 अधिक नई संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या के अंतिम दो अंक के बीच का अंतर, यानी x माइनस वाई पूछ रहा है। और ये हम लोग क्या जानते हैं, संख्याओं का अंतर बटा 9, यानी आंसर कितना 9, यानी ऑप्शन सी। तो मन लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर, देखो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया। अब दो अंकों की संख्या में कह दिया कि संख्या और अंक को पलट दिए, यानी संख्या तो होता है 10x + y और क्रम पलट दिया तो 10y + x, और कह रहा है दोनों के बीच का अंतर 63 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा केस जब भी होगा तो x माइनस वाई क्या होगा, सीधा 63/9, यानी आंसर कितना होगा 7। देखने के साथ टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 154 है, इन दोनों संख्याओं का योग 25 है, संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। गुणनफल यानी x इंटू वाई कितना है, 154, इन दोनों का योग यानी x + y कितना है, 25। तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, फिर वो फॉर्मूला लगाना होगा कौन सा, कि x + y² - x - y² = 4xy। लेकिन हो सकता है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में ये फॉर्मूला याद नहीं रहे, तो क्या करेंगे, एक नया टेक्निक, हम लोग गुणनफल का लगभग स्क्वायर रूट निकालेंगे, गुणनफल का लगभग मान का अप्रॉक्स वैल्यू। अब यानी 154 का अप्रॉक्स मान क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, पहले देखो 154 का लगभग वर्गमूल कितना होगा, तो 12 का 144, 13 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लगभग 12 होगा, देखो लगभग 12। अब लगभग 12 यानी 12 से छोटा, हम देखेंगे किस संख्या से 154 कटेगा, इसका लगभग निकाल लिया। कोई लोग, कुछ लोग 13 निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो। तो 12 से छोटा कौन है, 11, 11 से इसको भाग दे के देखते हैं, 11 × 11 = 44, कट गया, 154 आ गया। तो तुरंत हमारा दूसरा काम होगा कि क्या दोनों का योग 25 है, तो 11 में 14 जोड़ रहे हैं तो 25 भी आ रहा है। अब देखें यहाँ पर कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो कहेगा दोनों का योग बताओ तो 11 में 14 जोड़ दो, कहता दोनों का अंतर बताओ तो घटा दो, कहता छोटी संख्या का वर्ग बताओ तो 11 का स्क्वायर कर देते, कहता बड़ी संख्या का वर्ग बताओ तो 14 का स्क्वायर करते, कहता छोटी का क्यूब करो, जैसा कहेगा वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को दोनों संख्या मिल चुका है। तो देखिए क्या कर रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो 14 - 11 क्या पूछ रहा था, अंतर 14 - 11 यानी आंसर कितना होगा, 13।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, वो भी इसी टाइप का है, जल्दी से कीजिए, फटाफट बनाइए और कमेंट बॉक्स में जा करके आंसर दीजिए। गुणनफल 198 है, तो हम लोग 198 का लगभग 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो लगभग 14, 14 से छोटा 13 से चेक करते कटेगा, 13 इकाई 13, 6 पर 8, 13 पचे 65 नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 इकाई 12, 7 पे 8 नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, तो देखते हैं 11 इकाई 11, 11 अठे 88 कट गया। तो इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन पहारा याद रहना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होगा तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अगला, यानी उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि गुणनफल एक्स और वाई का गुणनफल कितना है, 198 है, और साथ साथ क्या कह रहा था, दोनों का अंतर कितना है, 7 है, तो 18 में से 11 घटा के देखो 7 आ रहा है, चेक तो करना है कि 18 से 11 क्या अंतर 7 आ रहा है। अंतर में से 11 का अर्थ 11 माइनस 18 नहीं, अंतर मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, 198 आ रहा है तो निकालना क्या है, बड़ी संख्या, दोनों में बड़ा कौन, 18। अभी मैंने बोला कि कभी पूछेगा छोटी संख्या बताओ, कभी कहेगा बड़ी संख्या बताओ, कभी कहेगा दोनों का योग बताओ, अंतर बताओ, स्क्वायर बताओ, क्यूब बताओ, कुछ भी बताओ, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप जवाब दे सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन और देखें, किसी संख्या का 90% 540 है, उस संख्या के 5% का 10% क्या होगा, जल्दी से अपने अपने कॉपी पे बनाइए। संख्या का, संख्या क्या मान ले, x का 90%, 90 बटा 100 540 है, बराबर 540, तो x क्या होगा, 540 ये इधर आएगा तो उलट जाता है, 100 बटा 90, 90 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में, यानी 600। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 600 के 5% का 10% बताओ, 600 का 5% का 10% लिख लो, का मतलब गुना, ये दो जीरो, एक जीरो ये कैंसिल, 5 से ये दो बार में, 2 से ये तीन बार में, आंसर 3, चेक कीजिए। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखेंगे, दो संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात 7 और 3 है, योग यानी एक्स प्लस वाई, अंतर यानी एक्स माइनस वाई, और ये कितना है, 7/3। संख्याओं का अनुपात क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई निकालो, चाहे दो इक्वेशन ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा आसान क्या होगा, ऑप्शन से बना दो। ऑप्शन से कैसे बनेगा, तो कह रहा है योग 7, देखो तो क्या जोड़ने पे 7 आ रहा है, 5 2 7 आ गया, अंतर 3, 5 में से 2 घटा रहा है, 3 आ रहा है, देखो योग 7 अंतर 3 तो आ गया, यानी आंसर ए। बस थिंक विदाउट इंक, पढ़ो आंसर का जवाब दो। कुछ क्वेश्चंस जो आपको करके रखना है, ये देखें, ये क्वेश्चन भी देखें, हम लोग अगले क्लास में इन लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। ये देखें अगला क्वेश्चन, जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग देते हैं तो शेषफल 21 और 28 मिलता है,
दोनों के योग को 33 से भाग, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्टिंग के वीडियो में कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको कोशिश करो कि आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है, और उसके बाद क्लास में बैठो तो उसका मज़ा कुछ और है, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू, गुड नाइट।